भारती एयरटेल, ओम आप इसे कैसे रीड कर रहे हो? क्योंकि ये नंबर्स आए, नंबर्स के बाद से ये लगातार तेजी में है, कोई भी इसमें ड्रॉप नहीं है। वैसे भी तेजी में था लेकिन नंबर से कोई खास रिलेवेंस आया नहीं, अभी भी तेजी में है, इसे कैसे देख रहे हो आप? जी, भारतीय एयरटेल का एक काफी स्ट्रॉन्ग जो बेस हम कह सकते हैं वो 1310 के अप्रोक्स, यहाँ पे काफी ये हायर लेवल, जब 52 वीक्स लो के बाद यहाँ पे थोड़ा सा एक पुल बैक आया था। 1310 के बेस फॉर्मेशन काफी स्ट्रांग हुई है और वहां से हम देख पा रहे हैं कि स्टॉक ये लगातार ये अप्रोक्स जो इसकी ट्रैजेक्टरी है वो ऊपर की ओर है। मतलब हम इसे मान सकते हैं कि 1300 लेवल के लिए एक स्ट्रांग सपोर्ट के लिए है। और अगर पोजिशनल व्यू अगर देखा जाए थोड़े लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए, कि अगर 15 से 20 दिनों के अगर ड्यूरेशन के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं 1450 के अप्रोक्स के ये टारगेट की ओर जाने का रुख बना सकता है यहाँ पे। और वहीं पे अगर 1320-1330 के आसपास अगर यहीं पे आता है तो यहाँ पे फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो मिला जुला यहाँ पे इसका स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग है, वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे ये काफी स्ट्रांग मोमेंटम यहाँ पे बिल्ड होता हुआ नजर आया है। तो हम यहाँ पे एवरेज डिप पे यहाँ पे खरीदारी की यहाँ पे रिकमेंड।